बहुत सारे बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं और वो अपने स्कूल मिस कर देती हैं क्योंकि उनको पीरियड्स हो रहे होते हैं। ये एक सुपरस्टिशन है, एक मिथ है कि ये गंदा खून है, भगवान ने हमें क्यों दिया है, ये हमारे साथ क्यों होता है। तो वो क्योंकि कोर रूट पर एजुकेशन नहीं है, उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, उसको सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, बट वो हर महीने होता है और वो इतना नॉर्मल है। मैम, गांव कनेक्शन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गुनीत मोगा जी हैं और आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने पीरियड एंड अबसेंटेंस को अभी जो ऑस्कर मिला है, तो आपने एक ऐसे विषय को चुना जिस पे आज भी लोग बातचीत नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, इस विषय को चुनना आपके लिए कितना ज़रूरी था? एक तो ये आई थिंक 50% जनता के साथ, जितनी भी औरतें हैं हम सब के साथ ये महीने दर महीने होता है और ये इसके बारे में कहीं ना कहीं बहुत छुपा छुपी से बातें होती हैं और सही साफ शब्दों में इसको अपनाया नहीं जाता। तो उसकी वजह से ज़रूरी था कि इसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से इस पर कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए। ये शुरुआत तो अमेरिका के स्टूडेंट्स से हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा था कि ये ऐसे गाँव में होता है और बहुत सारे बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं और वो अपने स्कूल मिस कर देती हैं क्योंकि उनको पीरियड्स हो रहे होते हैं और उसकी सही क्योंकि सही तरह से बात नहीं होती तो उसके ऊपर सब लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं उसके बारे में कुछ बोलने के लिए भी। तो ऐसे एक आइडिया था कि हम एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म के माध्यम से और लोग बहुत बात करने लग जाएंगे। तो उसके चलते हम लोग एक एनजीओ से मिले, एक्शन इंडिया, जो दिल्ली से बेस्ड हैं, जो हापुर में जिनका प्लांट है और जो बहुत सारी लड़कियों के साथ हापुर में काम करती हैं और उनके सहारे से हम हापुर में जाकर उनके प्लांट पर हमने शूट किया और हम बहुत ही मतलब एक ऐसे होता ना कि आप अमेरिका से बैठकर इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया में शहर में बैठकर गांव की बात कर रहे हो, कि वहाँ पर भी इतनी पावरफुल महिलाएं हैं जो इसके इस माध्यम पर काम करना चाहती हैं, जिन्होंने एक्चुअली काम किया, जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमने तो उनके ऊपर फिल्म बनाई, हमारे हीरो तो वो हैं। तो उनको जब एक्शन इंडिया ने प्लांट का एक चीज़ बताया और वो प्लांट लगाना घर में, उसके ऊपर काम करना, फिर वो पैड बेचना, ये सब उन औरतों ने खुद किया। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके से प्रोत्साहित हूँ, उनके तरीके से प्रोत्साहित हूँ कि वो जब घरों में जा जाकर लोगों को बताते हैं तो वो जो ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की हमने अपनी पिक्चर के माध्यम से, जैसे दुनिया भर में उनकी कहानी पता चले। हम चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें, किस थीम के साथ आपने हापुड़ के उस काठीखेड़ा गांव में बनाई जी थी? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस एक बहुत ही खूबसूरत 27 मिनट की छोटी सी पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री है, और वो डॉक्यूमेंट्री इसलिए है क्योंकि वो असली लोगों को फॉलो करती हैं। वो बहुत सारी खाटीगिरा के गाँव की लड़कियों की कहानी है, औरतों की कहानी है। उनमें से एक लड़की है स्नेहा, उनमें से चार पांच महिलाएं जो मिलकर उन्होंने एक पैड मशीन बनाई, एक पैड मशीन का प्लांट उन्होंने अपने घर में लगाया और उसके अंदर वो पैड मशीन लगाने के बाद उस पैड मशीन के ऊपर काम किया और वो उस पैड मशीन के पैड्स जो बने उनको जाकर गांव में घर घर जाके बेचा और फिर उन पैसों से और रॉ मटेरियल लिए और फिर वो पैड मशीन पर काम करना शुरू किया। ये जो एक पूरा जर्नी है ऑफ पैड मशीन लगाना, उसको ऑपरेशनल करना, उसके अंदर पैड बनाना, रॉ मटेरियल लाना, फिर उसको बेचना और फिर वापस उसमें जाकर बनाना, उसके ऊपर वो कहानी है और उनकी जर्नी हमने देखी कि वो कैसे अपना पूरा दिनचर्या का भी काम करती हैं, ये भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और कहीं ना कहीं एक थोड़ा वो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है कि इससे वो थोड़ा पैसा भी कमा सकती हैं और एक व्यवसाय का जरिया बन सकता है। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम जाकर गांव में जाकर बताएं कि
आपको पीरियड्स में ये करना चाहिए, तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं, उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जब उनके अपने शहर के लोग, उनके अपने गांव के लोग बनाते हैं, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं उसमें। थैंक यू जी। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी, इसके बाद से आपको इस विषय पे, खासकर अगर हम पीरियड विषय की बात करें, तो आपको किस तरह का असर छोड़ती है गाँव की उन लड़कियों पे जिनके लिए आपने बनाई थी, क्या चेंज आया? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें था कि पहले लोग बात करने में झिझक रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, पर इसके बाद से स्नेहा भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसने दिल्ली तक का भी रास्ता तय नहीं किया था, पर वो सीधे अमेरिका पहुंची, तो हम लेकर गए थे। जी जी, सपने जैसे। स्नेहा, सुलेखा जी और दो, हम चार लोगों को लेकर गए थे साथ में जी, और एक अलग ही मज़ा था सबके साथ बैठकर बात करना और सबके नज़रिए सुनना और सबका एम्बिशन देखना। मतलब जैसे एक हमारी भी दुनिया में कि जैसे हम एक अपना एम्बिशन बांध देते हैं, तो उनका जो एम्बिशन है वो बहुत बहुत अपनी दुनिया में बहुत अमेजिंग है और बहुत प्यारा है, यू नो। तो अमेरिका में हमें बहुत मज़ा आया था जी, हम लोग सब मिलकर अमेरिका गए थे और वहाँ पर हमने सेरेमनी भी अटेंड की, ऑस्कर भी जीते, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर के लिए बहुत स्पेशल इवेंट रहेगा हम सबकी लाइफ में। बिल्कुल हम सबका वो जो हफ्ता हमने साथ में बिताया है वो ज़िंदगी भर याद रहेगा जी। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद किस तरह का मिथक टूटा, किस तरह की लोगों की धारणाएँ टूटी, किस तरह से कम हुआ? दुनिया भर में टूटी जी, हमारे देश में इनफैक्ट जो लोग वहाँ गए थे उनको यहाँ पर बहुत अवार्ड मिले, गवर्नर से भी, CM से भी, लखनऊ में बुलाकर उनको अवार्ड मिले, दिल्ली में अवार्ड मिले, और दुनिया भर में यंग लड़कियां, 12-14 साल की लड़कियां इस मिशन के साथ जुड़ी, जो पैसे रेज कर सकती हैं वो पैसे रेज कर रही हैं, जो पैड मशीन डोनेट कर सकती हैं वो डोनेट कर रही हैं, जो उस पर काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक कहानी है जो एक लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के एम्पावर किया, चाहे वो अमेरिका में थी, चाहे वो स्नेहा हापुर में, काठीगेरा में। तो कारवां चलता गया, बिल्कुल ये कहानी है कारवां की है, जहाँ हम सब ने अपना अपना रोल एक बहुत शिद्दत से प्ले किया जी। आपके हिसाब से आपने काफ़ी वक्त उस गांव में गुजारा, जाके उन लड़कियों के बीच गुजारा, एक लंबा रिसर्च भी किया, आपके हिसाब से आज भी हमारे समाज के जो घर हैं, चार दीवारी है, उनमें पीरियड को लेकर बात करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा चैलेंजिंग है, तो आपके हिसाब से धारणाओं को कैसे तोड़ा जाए, इसको चर्चा का विषय कैसे बनाया जाए? मतलब चर्चाओं का विषय कहीं ना कहीं फिल्म और टेलीविज़न इम्पैक्ट करता है, वो कल्चर इम्पैक्ट करता है। तो अगर जैसे फिल्में बनी, पैडमैन जैसी फिल्म बनी, उसका एक बहुत बड़ा हमारे देश पर इम्पैक्ट है। हमने जो फिल्म बनाई उसका देश पर भी, हमने तो छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई और जितना आसान है इसके बारे में बात करना, जितना जैसे आज आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं और हम इस चर्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उतना ही वो आसान हो जाता है बात करना। इट मतलब वो एक कल्चरल बोलचाल की भाषा में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ अलग नहीं है, ये एक सुपरस्टिशन है, एक मिथ है कि ये गंदा खून है, भगवान ने हमें क्यों दिया है, ये हमारे साथ क्यों होता है। तो वो क्योंकि कोर रूट पर एजुकेशन नहीं है, उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, उसको सही से बात नहीं कर पा रहे, बट वो हर महीने होता है और वो इतना नॉर्मल है और उससे कोई दिनचर्या रुकता नहीं है, उससे कुछ मतलब कुछ खराब नहीं होता नहीं है, और उसको सही से साफ तरीके से उसके उसके दौरान आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकें, जैसे आपको इन्फेक्शंस ना हो। पुरुषों की किस तरह से इसमें भूमिका रहे? पुरुषों की भूमिका एक्चुअली और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो वहीं से है और कहीं ना कहीं पुरुषों की भूमिका इसमें और ज़्यादा होनी चाहिए। लड़कियों को तो बात करनी चाहिए पर पुरुषों को और ज़्यादा इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए, जैसे इसमें कुछ मतलब कोई बुरी बात नहीं है, और जिनको अभी भी शर्म आती है, जो आंखें चुरा लेते हैं इसके बारे में बात करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ही पुराने ख्याल के लोग हैं और वो हेल्प नहीं कर रहे हैं।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पैड निस्तारण की बात है, खासकर हम सैनिटरी पैड की अगर बात करें, उसमें प्लास्टिक की काफ़ी मात्रा यूज होती है, पर उसके डिस्पोजल के इंतज़ाम की हमने कभी बात नहीं की, चर्चा नहीं की। इस विषय को लेके आप क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका किस तरह से असर दिखेगा? जो हम लोग पैड्स बना रहे थे एक्शन इंडिया के साथ, जो फ्लाई पैड्स हैं, जो काटकेरा की गांव में लड़कियां बना रही हैं, वो 100% डिस्पोजेबल है। एंड आगे आगे और कोशिश हो रही है कि 100% डिस्पोजेबल पैड्स ही आगे और ज़्यादा ऐसे बन पाए, बना सकें, और वही उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करें। इनफैक्ट जो शहर में मिलते हैं उनमें प्लास्टिक यूज़ है, बिल्कुल। जो बड़ी बड़ी कंपनीज आज तक हमें बेचती आ रही है वो तो बिल्कुल भी डिस्पोजेबल नहीं है, बिल्कुल 100% वेस्ट प्रूफ नहीं है वो जी। हमारे जो है वो इसी की कोशिश चल रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रूफ रहें। इसके अलावा एक कप्स आते हैं जो सिर्फ गर्म पानी में डालकर एक बार ख़रीदने होते हैं, गर्म पानी में उनको उबाल के स्टरलाइज करके वो हर महीने यूज़ हो सकते हैं। एंड वो कप इंसर्शन से यूज़ होते हैं, तो वो इंसर्शन का कॉन्वर्सेशन समझाना आई थिंक एक थोड़ा और प्रोसेस है। बट ऐसी चीज़ें ऑफकोर्स वो कप्स हैं जो बहुत सेफ़ हैं, जो बहुत यूज़ हो रहे हैं, रबर कप्स हैं, शहर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पर अगर हम गांव की बात करें, करेक्ट, तो इसीलिए वहाँ पर एक 100% डिस्पोजेबल पैड्स एक सोल्यूशन है। उसके अलावा मतलब ये तो सोल्यूशन नहीं है कि लोग काम पर ना जाएं, और क्लॉथ एक अलग सोल्यूशन नहीं है। तो एक जो हम लोग बैम्बू से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल सोल्यूशन हैं, और वही इस पैड मशीन में बनाने की कोशिश हो रही है। पैड मशीन में बहुत ज़्यादा इनोवेशन चल रहा है, बहुत प्रकार की पैड मशीन्स बन रही हैं जिनसे और एक जो स्टार्ट किया था मुर्गनाचम ने जी ने वो आज बहुत आगे बढ़ गया है, बिल्कुल। और अब बहुत ही एडवांस्ड पैड मशीन्स बन रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल की कॉन्वर्सेशन सबके जहन में है, और उसी के ऊपर काम चल रहा है और बहुत बन भी रहे हैं। फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी गांव कनेक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। आप हमारे दर्शकों के लिए बेहद ख़ास इसलिए हैं क्योंकि गांव कनेक्शन हमेशा ऐसे मुद्दों को लिखता रहता है, हमेशा हम ऐसे मुद्दों को छूते रहते हैं जो कई बार सुर्खियां नहीं बन पाते हैं। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, खासकर महिलाओं और लड़कियों को, पुरुषों को भी, कि इस विषय पर वो कैसे इन्वॉल्व हों, कैसे चर्चा करें, कैसे बातचीत करें, और कैसे महिलाओं को पुरुष सपोर्ट कर पाएँ कि वो महावारी जैसे दिनों को बहुत आसानी से निकाल पाएँ। जी तो एक तो ये नॉर्मल है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रोसेस है, क्योंकि एक औरत जीवन एक जीवन दान देती है और एक जो हमारी आगे जेनरेशन चलाती है, तो उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये एक बेसिक फंक्शन है जो हर एक औरत को हर महीने होता है, और ये बहुत नॉर्मल है, और ये इसमें कुछ बुरा बात नहीं है, ये कोई गंदा खून नहीं है, ये कोई भगवान का दिया हुआ कोई श्राप नहीं है, तो ये बहुत ही एक नॉर्मल है जो सबको है, और उसमें औरतें दुनिया भर में सब काम करती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें इसके आगे आने की ज़रूरत है, इसके लिए एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर अवेयरनेस रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा माहौल और घर बनाना चाहिए जो इसके बारे में बहुत आसानी से बात करे, और अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपनी सबसे बात कर पाएँ और उनके लिए आसान कर पाएँ, बाज़ार से ख़रीद पाएँ, काले कपड़े में छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अखबार में फिर काले कपड़े में, मतलब ये कोई बम नहीं है, पैड है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव कनेक्शन के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। निश्चित तौर पे हम सबको भी बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा हुआ कि आप एक ऐसे विषय पे, खासकर आपने उन लड़कियों को हीरो बनाया, उनको इतना आगे पहुंचाया जहाँ हीरो है वो कल्पना नहीं कर सकती थी, आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।